सो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल में। इसका मतलब भी स्पोर्ट्स या बोलता है फुटबॉल से रिसर्च फ्रॉम सुनो ट्रॉफी रिमोस द सुर का दर्शक वीडियो बिना किस देरी के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एएफसी कप के बारे में। तो एएफसी कप में कल दो मैच था, एंड अगर हम लोग पहला मैच का बात करें वो था एटीके मोहन बगान वर्सेस भूषण द्वारा किंग्स, एंड ये मैच एक ड्रॉ में एंड हुआ है। एंड एटीके मोहन बगान नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर चुके हैं, एंड एटीके मोहन बगान को नेक्स्ट राउंड का मैच जीतना पड़ेगा। एंड उनका इंटर जोन सेमीफाइनल मैच किसके अगेंस्ट में होगा ये हम लोग को आज पता चल जाएगा, तो मैं कल कवर कर दूंगा। सो डेफिनेटली बहुत इजी टीम नहीं होगा। एंड अगर हम लोग कल के मैच का बात करें तो डेफिनेटली एटीके मोहन बगान ने काफी ज्यादा बेटर फुटबॉल खेला है, एंड भूषण द्वारा किंग्स ने काफी ज्यादा फिजिकल फुटबॉल खेला है, जो कि मुझे समझ में नहीं आया क्यों। और उनके एक प्लेयर को फर्स्ट हाफ में रेड कार्ड मिल गया था, और अगर रेफरी थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट होता तो हो सकता था कि एक और रेड कार्ड उनको मिलता। और नो डाउट एटीके मोहन बगान ने बहुत अच्छा खेला। लिस्टन कोलेसो का परफॉर्मेंस काफी एवरेज था, काफी उनको अच्छा चांस मिला। लिस्टन कोलेसो का करेंटली बस एक ही प्रॉब्लम है, वो है इमैच्योरिटी। अगर वो थोड़े से और मैच्योर होते तो डेफिनेटली लिस्टन कोलेसो का परफॉर्मेंस और भी ज्यादा इंप्रूव होता। बट हाँ, लिस्टन कोलेसो ने अभी भी अच्छा ही खेला है, बट हम लोग डेफिनेटली इन फ्यूचर उनसे और भी बेटर परफॉर्मेंस का एक्सपेक्ट करते, क्योंकि उन्होंने एक ओपन गोल मिस किया है कुछ जगह में, जहां पे उनको ज्यादा ड्रिबल नहीं करना था, उन्होंने ड्रिबल करने का चूज किया, एंड उसके कारण उन्होंने बॉल को लूज किया था। एंड उन्होंने असिस्ट भी दिया था डेविड विलियम्स को, एंड रॉय कृष्णा एज अ टीम मैन कमाल का परफॉर्मेंस रॉय कृष्णा का, एंड बहुत क्लोज थे वो एक गोल से। और डेफिनेटली एटीके मोहन बगान नेक्स्ट राउंड में जाना डिजर्व करते थे, एंड जो भी हो उम्मीद करते कि इंटर जोन सेमीफाइनल में एटीके मोहन बगान का परफॉर्मेंस अच्छा हो। सब बात करते कल के दूसरे मैच के बारे में। तो कल का जो दूसरा मैच था वो था बैंगलोर एफसी वर्सेस माजिया, एंड ये मैच बैंगलोर एफसी ने लिटरली 6-2 से जीत लिया है। एंड अगर ये 8-2 या 9-2 होता तो मैं ज्यादा हैरान होता नहीं, क्योंकि लिटरली कमाल का परफॉर्मेंस बैंगलोर एफसी की तरफ से। एंड मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये गेम उन्होंने पहले मैच से क्यों नहीं खेला। एंड एक जो मुझे लगा कि एक तो मार्को पिज़ोली एक कंप्लीटली नए कोच है, एंड उनको बहुत ज्यादा टाइम मिला नहीं टीम के साथ, एंड मेरे हिसाब से आईएसएल में हम लोग को यही बैंगलोर एफसी देखने को मिलेगा। एंड मैं डेफिनेटली ऐसे बैंगलोर एफसी को देखना चाहता हूँ, एक एग्रेसिव अटैकिंग टीम, यंग टीम। और मेरे हिसाब से बैंगलोर एफसी को अभी ये समझ में आ चुका है कि ओल्ड प्लेयर के साथ अब ज्यादा दिन चल नहीं सकते। उदंता सिंह ने कल एक कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है, एंड विद्यासागर सिंह ने कल दो गोल किया है, लियोन अगस्टिन ने गोल किया है, क्लिटन सिल्वा ने तक एक गोल किया है। तो लिटरली हर प्लेयर ने बहुत अच्छा खेला है, एक कंप्लीटली अटैकिंग अप्रोच। उन्होंने दो गोल कंसीड किया है, बट अगर ऐसा अटैकिंग अप्रोच के साथ वो लोग खेलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं अगर वो दो गोल कंसीड करते, क्योंकि ये जो अप्रोच है, अप्रोच की अगर हम लोग दो गोल कंसीड करते हैं तो चार गोल करके आएंगे, जो कि लिटरली बहुत ही नेक्स्ट लेवल टेक्निक है। एंड मार्को पिज़ोली को जैसे यंग प्लेयर्स के साथ खेलना पसंद है, कल उन्होंने वही किया, दो फॉरेन प्लेयर्स के साथ वो लोग कल खेल रहे थे, एंड एक यंग टीम को मौका दिया गया। एंड मुझे देख के बहुत अच्छा लगा उनका गेम, एंड दानिश फारूक का परफॉर्मेंस भी बहुत एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं था बट अच्छा था, ठीक ठाक था। विद्यासागर सिंह ने अपना क्लास दिखाया कि हाँ, उनके अंदर एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। एंड मार्को पिज़ोली, मैं हमेशा बोलता हूं काफी अच्छे कोच है, उनको बस थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि एक टीम को सेट करना इतना ईजी होता नहीं है। एंड उन्होंने भी सोचा कि जो सेट टीम है उसको ही खिलाते एएफसी कप में, क्योंकि काफी बड़ा स्टेज है ये। एंड जो भी हो, मेरे हिसाब से अच्छा हाई पॉइंट में उन्होंने अपना एएफसी कप का कैंपेन खत्म किया है, एंड उम्मीद करते कि बैंगलोर का परफॉर्मेंस ड्यूरेंट कप में जो कि अभी होगा उसमें अच्छा हो। सब बात करते डीएफबी पोकल के बारे में। तो डीएफबी पोकल में आज मैच है ब्रमर एसवी वर्सेस बायर्न म्यूनिक, एक काफी वन साइडेड मैच होने का चांस है, एंड डेफिनेटली बायर्न म्यूनिक एक बहुत बड़ा अपर हैंड रखते हैं, एंड ब्रमर एसवी के पास ज्यादा कुछ खोने का है नहीं। बायर्न म्यूनिक के अगेंस्ट में पहला राउंड गिर चुका है उनका, सो वो लोग कोशिश करेंगे कि डिफेंसिव खेले एंड जैसे तैसे पेनल्टीज तक जाए। एंड अगर माई 11 सर्कल में टीम बना ले तो गोलकीपर मैंने चूज किया ओले बर्न को, क्योंकि ब्रेनर एसवी के गोलकीपर है एंड मेरे हिसाब से वो ज्यादा सेफ करेंगे। डिफेंडर्स मैंने चूज किया है ओमर रिचर्ड्स, टैंगाई नियांजू, निकोलस स्यूल एंड फेबियो ओर्लिक को। मिडफील्डर्स मैंने चूज किया लियो गोरेस्का, लेवा साने एंड मैट स्केजर को। एंड फॉर्ड मैंने चूज किया सेबेस्टियन लेमिने डियोप एंड चोपोमुटेंग को, एंड कैप्टन मैंने चोपोमुटेंग को बनाया एंड वाइस कैप्टन मैंने लेमिने डियोप को बनाया। एंड यह मेरा माई 11 सर्कल का टीम। एंड अगर अभी तक अपने माई 11 सर्कल डाउनलोड नहीं किया तो डेफिनेटली डाउनलोड कर लेना, मैंने भी माई 11 सर्कल खेल के पैसा जीता, एंड आप भी यहां पे टीम बना के इजीली पैसे जीत सकते हो। एंड इसी के साथ साथ यहां को 20% एक्स्ट्रा कैश भी मिलेगा अपने पहले डिपॉजिट में, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दे हुए लिंक से माई 11 सर्कल को डाउनलोड करते हो, वो लिंक आपको प्रिंट कमेंट में भी मिल जाएगा। एंड आपको 1500 का बोनस भी मिलता है अपने पहले डिपॉजिट में, तो किस बात का वेट कर रहे हो, डेफिनेटली माई 11 सर्कल कुछ कट करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में प्रिंट करके लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिए माई 11 सर्कल। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट
the financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. सब बात करते फिर से इंडियन फुटबॉल के बारे में, तो सबसे पहले बात करते केरला ब्लास्टर्स एफसी के बारे में। तो केरला ब्लास्टर्स एफसी के जितने भी फैंस हैं उनके लिए काफी अच्छा न्यूज है, फाइनली जॉर्ज पेरेडियास केरला ब्लास्टर्स में आ रहे, क्योंकि उनका जो करंट क्लब था प्लेटेंसी उनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है केरला के लिए। एंड एक दो हफ्ते के अंदर साइनिंग भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बीच में ये साइनिंग रुक चुका था, क्योंकि जॉर्ज पेरेडियास बहुत ही ज्यादा चाहते थे कि वो केरला में आए, बट प्लेटेंसी उनको छोड़ना नहीं चाहते थे, उनको एक ट्रांसफर फी चाहिए था जॉर्ज पेरेडियास के लिए, बट अभी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअली टर्मिनेट कर दिया है एंड अब जॉर्ज पेरेडियास केरला ब्लास्टर्स में आएंगे। एंड अभी भी थोड़ा सा बात चल रहा है, फिर से बात शुरू हो चुका है एंड मेरे हिसाब से एक दो हफ्ता मैक्स टू मैक्स एक दो हफ्ता, हो सकता है कि इस हफ्ते के अंदर हम लोग को पता चल जाए, ऑफिशियली भी अनाउंसमेंट हो जाए। एंड नो डाउट बहुत ही कमाल का साइनिंग है ये केरला के लिए, क्योंकि जॉर्ज पेरेडियास नो डाउट बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, इनका रिसेंट फॉर्म भी काफी अच्छा है एंड एक सेंट्रल फॉरवर्ड पोजिशन के प्लेयर, इनका एज 31 एंड काफी एक टैक्टिकल साइनिंग में बोलूंगा। एंड इवान वुकोमैनोविच के पास एक प्रॉपर प्लान है, चाहे उन्होंने अपना पहला मैच जो कि केरला यूनाइटेड के अगेंस्ट में था वो हारा है, बट कोई बात नहीं, फर्स्ट मैच था, थोड़ा सा और मौका देना चाहिए एक कोच को। एंड एक प्री सीजन मैच से अगर हम लोग एक टीम को जज करने लगे तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। सो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया साइनिंग होगा एंड देखते कि जॉर्ज पेरेडियास का परफॉर्मेंस केरला ब्लास्टर्स एफसी का ओके कैसा रहता है। सचिन और जमशेदपुर एफसी की तरफ से, तो जमशेदपुर एफसी ने साइनिंग ऑफिशियली अनाउंस कर दिया लालडिन पुया का। एंड लालडिन पुया जो कि सेंट्रल बैक पोजिशन के प्लेयर, इनका एज 24 एंड जैसे कि मैंने बहुत पहले बोला था कि अब धीरे धीरे हर अच्छा इंडियन प्लेयर आईपीएल में आना शुरू कर देगा, और अभी इंडियन जो ट्रांसफर मार्केट है वो भी धीरे धीरे यू नो ट्रांसफर फी में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोई भी प्लेयर अब फ्री एजेंट और नहीं रहेगा, और ऑलरेडी 8 साल हो चुका है, मतलब 8 साल होने वाला है। सो मेरे हिसाब से ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा जल्दी एंड हम लोग को देखने को मिलेगा बहुत सारा ट्रांसफर फीस का इन्वॉल्वमेंट प्लेयर के ट्रांसफर्स में, जो कि बहुत अच्छा बात है, मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है जब ट्रांसफर फी देकर कोई प्लेयर का साइनिंग किया जाता है, क्योंकि तब कंपटीशन भी काफी बढ़ जाता है। एंड मेरे हिसाब से सैलरी कैप को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जा सकता है 20 करोड़ तक की, सारे क्लब्स तो फ्री हैंडली प्लेयर्स को साइन करवा पाए, और मेरे हिसाब से एटीके मोहन बगान मुंबई से जैसे क्लब्स के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल भी एफ को होना चाहिए, एफएसएल को होना चाहिए। एंड जितने भी प्लॉट होल्स है, या फिर प्लॉट होल्स नहीं बोलूंगा, जितने भी फ्लॉज है टेक्निक्स में या फिर रूल्स में, उनको भी प्रॉपरली रेक्टिफाई करना चाहिए। बट जो भी लालडिन पुया का साइनिंग, नो डाउट बहुत ही अच्छा साइनिंग है एंड इन्होंने जमशेदपुर के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड डिफेंडर है, इनका परफॉर्मेंस भी आई लीग में काफी अच्छा था। सर जो भी उम्मीद करते कि इनका परफॉर्मेंस जमशेदपुर एफसी का ओके अच्छा हो। सर्षित ओवर है आईसीएल की तरफ से, तो पैट्रिक फ्लॉटमैन आईसीएल में आने वाले एंड र्यूमर है कि वो गोवा या तो नॉर्थ ईस्ट में आएंगे, तो गोवा में वो नहीं आने वाले, मैं पहले ये क्लियर कर देता हूँ। एटलीस्ट मैंने जितना पता किया कि नहीं, पैट्रिक फ्लॉटमैन गोवा में नहीं आएंगे एंड गोवा करेंटली डिलन फॉक्स के साथ अभी बात कर रहे एंड वो कोशिश कर रहे कि कोई अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाए एंड वेट करे कि फीफा का क्या इसमें कॉल होता है। सो थोड़ा सा टाइम गोवा ले रहे एंड एफसी गोवा कुछ दिनों के अंदर ही एक काफी बड़ा डिसीजन लेने वाले, तो हम लोग को थोड़ा सा वेट करना चाहिए गोवा के मैटर में। बट अगर पैट्रिक फ्लॉटमैन का बात करें, तो उन्होंने सिडनी एफसी में खेला है, काफी यंग एंड टैलेंटेड प्लेयर है, अभी वो अपने करियर के पीक में। अब ये थोड़ा सा रिस्की बात होता है, क्योंकि एक तो यंग प्लेयर है, सो अभी या तो इसका जो पीक है करियर का वो और उठेगा या तो गिर जाएगा, सो थोड़ा सा रिस्की साइनिंग होगा किसी भी क्लब के लिए, बट मेरे हिसाब से ये रिस्क लेना चाहिए क्लब्स को। नॉर्थ ईस्ट डेफिनेटली पैट्रिक फ्लॉटमैन का साइनिंग कंप्लीट कर सकते हैं एंड इंडिया में आ रही ये न्यूज ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने कवर किया है, सो देखते कि क्या फाइनली पैट्रिक फ्लॉटमैन को हम लोग आईसीएल में देख पाएंगे नहीं। सेलेक्ट इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल पीएसजी, तो पीएसजी इंटरेस्टेड है रिचर्लिसन के ऊपर एंड अगर एम्बाप्पे रियल मैड्रिड में चले जाते या फिर पीएसजी छोड़ के चले जाते तो डेफिनेटली पीएसजी रिचर्लिसन को लाना चाहते हैं अपने टीम में। रिचर्लिसन नो डाउट बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड एक फॉरवर्ड पोजीशन के प्लेयर है, काफी अच्छा पेस उनके पास, फिनिशिंग एबिलिटी भी उनके पास काफी अच्छा है एंड प्रीमियर लीग में भी उनका परफॉर्मेंस काफी सही रहा है। सो मेरे हिसाब से नो डाउट अच्छा साइनिंग होगा, उनको शायद फर्स्ट 11 में हर मैच में मौका ना मिले, क्योंकि पीएसजी के पास ऑलरेडी नेमार है, मेसी है एंड डी मारिया है अटैक में, एंड इन तीनों प्लेयर्स को हटाना इतना इजी होता नहीं है। डी मारिया का परफॉर्मेंस पीएसजी का बहुत अच्छा रहा है पिछले कुछ सालों में, मतलब डी मारिया वैसे भी बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, सो नो डाउट उनको हटाना इजी होगा नहीं एंड ऊपर से रिचर्लिसन का साइनिंग, तो मेरे हिसाब से उनको एज अ सब्स्टिट्यूट लाया जाएगा एंड एज यू नो अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो रिचर्लिसन को मौका मिलेगा। बट अब ये प्लेयर का कॉल है कि क्या वो पीएसजी में आना चाहते हैं, प्लेयर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। सर देखते हैं कि क्या फाइनली हम लोग रिचर्लिसन को पीएसजी में देख पाएंगे नहीं। बायर्न म्यूनिख की तरफ से, तो बायर्न म्यूनिख करेंटली सैबिटजर के साथ बात कर रहे थे एंड बात हर चीज कंप्लीट हो चुका है, रेड बुल
लाइपजिग ने 15 मिलियन यूरो डिमांड किया है, बट अब बायर्न म्यूनिख अभी इस डील को फाइनलाइज नहीं करना चाहते, वो एक और सीजन वेट करना चाहते हैं। एंड बेसिकली 6 महीने बाद जो दूसरा ट्रांसफर विंडो आएगा, जो मिड सीजन ट्रांसफर विंडो होता है, उसमें बायर्न म्यूनिख चाहते हैं सबिटजर का साइनिंग कंप्लीट करना, और अभी तक कोई डील नहीं हुआ है, बस बात हुआ है। एंड रेड बुल लाइपजिग का बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक डील है, 15 मिलियन यूरो आपको देना पड़ेगा सबिटजर के लिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है रेड बुल लाइपजिग के साथ। सो इतना इजी नहीं होगा इनका साइनिंग कंप्लीट करना। सो देखते हैं कि क्या फाइनली सबिटजर बायर्न म्यूनिख में आते हैं नहीं। सो हम बात करते हैं दूसरे स्पोर्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट के बारे में, जो कि आज से शुरू होने वाला है। काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना, इंडिया को ये टेस्ट जीतना है एंड डेफिनेटली एक विनिंग मेंटेलिटी के साथ इंडियन प्लेयर्स पिच में उतरेंगे। और नो डाउट इंडिया का रिसेंट परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, लास्ट मैच उन्होंने लॉर्ड्स में जीता है, तो प्लेयर्स काफी ज्यादा मोटिवेटेड होंगे। एंड जो भी उम्मीद करते कि इंडिया का परफॉर्मेंस आज के दिन में अच्छा हो। सब लोग बात करते हैं टोक्यो पैरालंपिक्स के बारे में। तो टोक्यो पैरालंपिक्स आज शुरू हो चुका है और इस बार इंडिया ने सबसे ज्यादा एथलीट भेजा है टोक्यो पैरालंपिक्स में, इंडियन रिकॉर्ड के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। मतलब और भी दूसरे कंट्रीज है जिन्होंने इंडिया से ज्यादा एथलीट्स को भेजा है, बट इंडिया ने अपना हाईएस्ट नंबर ऑफ एथलीट्स भेजा है टोक्यो पैरालंपिक्स में। एंड एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है एंड डे वन है, बहुत कुछ एकदम मेडल शायद डे वन में हम लोग को ना मिले, बट जो भी हो उम्मीद करते कि इस बार टोक्यो पैरालंपिक्स में इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा हो। सो बस गाइस आज की इतना ही, एंड डेफिनेटली माय 11 सर्कल कुछ करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में प्रिंट करके लिंक मिल जाएगा एंड डाउनलोड कीजिए माय 11 सर्कल। सो बस गाइस आज की इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड बेल आइकन कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वीडियो, मैं तब तक के लिए बाय।